सब्सक्राइब कीजिए टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको नई वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको भी एक सस्ती और अच्छी मेडिकल पॉलिसी लेनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पर कॉल करके आप पता कर लीजिएगा कि कौन सी सबसे बेस्ट पॉलिसी है और आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। एक बार फिर से स्वागत है टीआई हिंदी यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में रॉयल सुंदरम कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ। मेरे पास रॉयल सुंदरम कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस था, अभी कुछ दिन पहले मेरी वाइफ बीमार हो गई थी तो किस तरीके से कंपनी ने मुझे क्लेम दिया और मेरा जो हॉस्पिटल था वो कैशलेस हॉस्पिटल था तो वहाँ पर किस तरीके से मेरे को क्लेम मिला, कितने पैसे मेरे को वहाँ पर पे करने पड़े और किस तरीके से मेरे को क्लेम मिला, दवाइयों का खर्चा क्या रहा है, लैब का खर्चा क्या रहा, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद इसलिए था क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो बना रखी है हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, जिसके अंदर मैंने दो कंपनीज के बारे में बताया है। जो पहली कंपनी है वह है रॉयल सुंदरम और जो दूसरी कंपनी है वो है यूनिवर्सल शैम्पू। दोस्तों बहुत सारे कस्टमर को ये बोल रहे थे कि इसका प्रीमियम बहुत ज्यादा कम होने की वजह से कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, तो दोस्तों यहां पर आपको बता दूं कि मेरी वाइफ अभी कुछ दिन पहले बीमार हुई थी और मैंने खुद रॉयल सुंदरम कंपनी का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा था। ये देखिए दोस्तों यहां पर आपको बता दूं कि और कंपनी ने क्लेम देने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं की। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको रॉयल सुंदरम कंपनी के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं, कब मैंने पॉलिसी ली थी, कितना क्लेम बना, कब मेरी वाइफ एडमिट हुई थी, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं और कितने पैसे मेरे को वहां पर पे करने पड़े। और दूसरी बात दोस्तों यहां पर आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही मेरी वाइफ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुई थी तो उसके 60 दिन के बाद जितनी भी उनके मेडिकल का खर्चा है, चाहे वो दवाइयों के हो, चाहे वो किसी भी तरीके के टेस्ट हो या फिर कोई भी डॉक्टर की फीस हो वगैरह वगैरह, वो सारे के सारे कंपनी कवर करके देगी। तो उसके अंदर मेरे को किस तरीके से कवर मिलने वाला है इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, तो जो आप उस वीडियो को भी देख लेना। लेकिन दोस्तों जो आप ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि कंपनी ने किस तरीके से क्लेम दिया, कब मेरी वाइफ एडमिट हुई थी और कितना क्लेम बनाया है और कितना क्लेम में सेटलमेंट हुआ है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों यहां पर आपको बता दूं कि ये जो आप पेज देख रहे हैं ना, ये मेरे हाथ में पेज है, ये आप साइड में देख लीजिए। यहां पर ध्यान से देखिए, मेरी वाइफ का नाम है शिवानी और मेरा नाम है अरविंद कुमार, ठीक है। और आप देखिए यहां पर जो मेरी वाइफ एडमिट हुई थी वो 13/11/2020, यानी कि अभी लेटेस्ट कुछ दिन पहले नवंबर में मेरी वाइफ एडमिट हुई थी और जो डिस्चार्ज डेट है वह 18/11/2020, यानी कि 5 दिन के समथिंग उसमें रही थी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि जो मेरे को रूम मिला था वो है एसी का सुपर डिलक्स रूम मिला था, जिसके चार्जेस उन्होंने लगाए हैं 2500 × 5, यानी कि 12,500 रुपये मेरे से रूम के चार्जेस लिए हैं। डॉक्टर के विजिटिंग चार्जेस इन्होंने लिए हैं 500 रुपये के हिसाब से, 11 बार विजिट किए हैं तो 5500 रुपये के हिसाब से लिए हैं। लैब चार्जेस इतने लिए हैं और मेडिसिन वगैरह इतने लिए हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पर दिख जाएगा। सीटी स्कैन हुआ था मेरी वाइफ का, जो कि आपको दिख रहा है 2500 रुपये का सीटी स्कैन हुआ था। USG चार्जेस लिए थे 800 रुपये और एक्सरे हुआ था 500 रुपये। तो टोटल 37,350 रुपये बिल बनाकर भेजा था कंपनी के पास हॉस्पिटल ने। अब दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि ये जो बिल बनाया है वो हॉस्पिटल ने बनाया था। अब इसके अंदर कंपनी के साथ जो सेटलमेंट हुआ है हॉस्पिटल का वो 28,000 रुपये के आसपास हुआ है, यानी कि कंपनी ने 28,000 रुपये का अप्रूवल कर दिया और 28,000 रुपये कंपनी ने जो हॉस्पिटल का बैंक अकाउंट है उसमें ट्रांसफर कर दिए होंगे या फिर नहीं किए होंगे वो हॉस्पिटल जानता है या फिर कंपनी जानती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ कि मेरे को वहाँ पर लगभग 500 रुपये देने पड़े थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ मेडिसिन की दवाइयाँ थी, जो मेडिसिन दवाइयाँ थी वो कंपनी ने क्लेम वहाँ पर उनको नहीं दिया था, तो लगभग 500 रुपये मेरे को देने पड़े थे। तो दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि रॉयल सुंदरम कंपनी और यूनिवर्सल शैम्पू के जो प्रीमियम कम है तो आपको वो आपको क्लेम नहीं देंगे, तो आपकी सोच गलत है। ये देखिए मेरे को वहाँ पर क्लेम मिला है, मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है और मैं पिछले एक साल से इसी कंपनी की पॉलिसी को चला रहा हूँ और आगे भी कंटिन्यू करता रहूँगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी यूनिवर्सल शैम्पू में भी और दोस्तों रॉयल सुंदरम में भी। मेरे पास रॉयल सुंदरम कंपनी की ये पॉलिसी थी तो आपको क्लेम लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आपको किसी भी टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए तो नीचे एक डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिल जाएगा या फिर यहाँ पे स्क्रीन पर भी मैं शो करा दूंगा। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आपने किसी भी कंपनी का इंश्योरेंस ले रखा है तो आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्लेम लेने में, तो आपको आराम से क्लेम मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि जैसे ही मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी और जितने भी 60 दिन के अंदर मेरी उनकी दवाई चलेगी, जितना भी बिल बनेगा वो सारा का सारा मैं कंपनी को भेज दूंगा उसके डॉक्यूमेंट, और उसका क्लेम किस तरीके से मेरे को मिलता है, कितना क्लेम मिलता है, क्या कुछ वो बैलेंस उसमें से काटती है नहीं काटती, वो सब कुछ के बारे में आपको दूसरी वीडियो में बता दूंगा, तो आप उस वाली वीडियो को देख लेना। अभी मेरी वाइफ को डिस्चार्ज हुआ, अभी सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं, तो जैसे ही वो मेरी वाइफ बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो उसके बारे में आपको सब कुछ बता दूंगा, तो उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वाली वीडियो को देख लेना। और दोस्तों अगर आपको भी एक सस्ती और अच्छी मेडिकल पॉलिसी लेनी है तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा, आप उस नंबर पे कॉल करके
आप पता कर लीजिएगा कि कौन सी सबसे बेस्ट पॉलिसी है और आपको कौन सी पॉलिसी लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। और दोस्तों अगर आपके पास फिर भी कोई क्वेश्चन फिर सजेशन है तो यार नीचे कमेंट बॉक्स खुलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको साथ साथ रिप्लाई कर दिया जाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, जब तक देखते रहिए हिंदी। जय हिंद, वंदे मातरम।